ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ
मैं सहे भी नगर कीर्तन का प्रोग्राम करता नहीं तो प्रबंधक शायद मेरी दो गल हुई कि तिना गल हुई है ये उन्होंने पूछ सकते हो कि मेरी कमिटमेंट इन्होंने यह सी कि जा मेरे लगन को पहला पहला चाह पी लो तो जा मेरे हटन तो बाद भावे घंटे की जाए मैं 45 मिनट स्टेज के उत्ते दे दौ बाद 15 मिनट अपनी चाह पानी जोगे रख लो पर चलते प्रोग्राम के मैं कहना कि संघ जी फतेह बुलाओ तो संघ ने मूँह मंडिया ना भरिया फतेह कौन बुलाऊगा सच्ची बात कह रहा मैं तो मैं तुम्हें एक गल दसा 16 साल का मेरा एक तजर्बा है प्रबंधक पूछ के देखो जो मैं एक रुपया भी किसी को साई मंगी होगी तो साई लैन के मेरे दो कारण में मैं नहीं पैसे पहला अरदास लेंदा एक तो साढ़े पड़ताल ना स्टेजा से बड़ा कह के हम आदमी हाँ एक दमी बी दम का भरोसा नहीं तो 2 महीने पहले बैंक अकाउंट में पैसे पवा के मर गया लेखा कितने देना एक चीज है दूजी चीज जी है कि जे तो भाई प्यार सुनोगे किसी तौर तरीके जो डिसिपलिन रह के सतगुरु का सत्कार करके सुनते जाओगे तो भावें दो घंटे समय दे दो स्टेज उत्ते मैं बोलने को तैयार हाँ तो जे आह माहौल रखा ना मठिया पकाने वाला तो गड्डी तुहाडे नालों पहला मेरी मोहरे खड़ी मैं चाबी ला के घर में चले जाना ना पंजी तो लैनी तो ना तो देना क्योंकि इस करके मैं सारी लगा सुनोगे तो सुनावे नहीं तो अब डिसिपलिन जहाँ जगह ना उन्हें चाह पानी वाला अच्छा नगर कीर्तन तो नगर कीर्तन बन गया सैकटरी साहब ने पहले अनाउंसमेंट की 50 मिनट तो बाद चाह पानी बरतायो पता नहीं कि गल की गलती आप काली पै जाती है हम मेरी बेनती समझो जो हम बरतावे लग गए हम वरत नहीं रहने अगले प्रामद उत्ते मेरी हाथ जोड़ के बेनती है कि थोड़ा जहां संकोच करो आप गुरु के सिख हाँ तो गल बातें ही तो कौड़िया तो मिट्टिया होंगे रहने सारा दिन हम जो मैं आखा भी हाथ जोड़ो तो शीश झुकाओ हाथ जोड़ो का मतलब है कि आप अपनी सारी ताकत गुरु के अगे अर्पण कर दी शीश झुका कि आप सतगुरु झुका दिता सारा कुछ जिसकी वास्तव जिस आग्ञा रख है ताकि आग्ञा मन है तो फिर ही आप फतेह की सांझ पावे हम यह मतलब थोड़ी कि आप ढाबिया को 30 रुपया का देना है ये फतेह बुलाओ या ना बुलाओ फतेह साड़ी थोड़ी है फतेह बुलाने का कारण भी तो फायदा की है पता एक बार फतेह बुलाने दो वेला अपने आप वाहेगुरु शब्द का सिमरन हो जाता है दो बारी अपने आप वाहेगुरु कहने जन्म जन्म के दुख कटे जाते हैं तो जिते फतेह में दो बारी वाहेगुरु शब्द का सिमरन होता है यदा मतलब फतेह सिमरन है सिमरन वह प्राणी करता जिसके उत्ते गुरु की कृपा होगी हम जो गज के फतेह बुलाओगे वह समझ लो भी साढ़े फतेह गुरु की कृपा है जो फतेह बुलाने वाझे रह गए वो अपने आप ही समझ लो भी साढ़े उत्ते हले गुरु की कृपा हुई नहीं हम कौन गुरु की कृपा का पात्र बनता है कि गुरु की बख्शिश को वाझा रहा है यह हम थोड़े से गल हाजर नाजर गुरु की गोद में बैठे एक बार फतेह बुला के दो बारी वाहगुरु शब्द पढ़ने का यत्न करिए चार अखर का जोर है वाहगुरु शब्द चार अखर का सुमेल है वाहगुरु शब्द वाहवा वास देवता जाप हाहा हरका वड्डा प्रताप गगन गोबिंद गुणी निधन राधा राम नाम प्रधान वाहेगुरु मंत्र के अखर चार है जो जन जपै सो को कृपा जेड़ा चार अखर नहीं कह सकता सुख दुनिया दे नहीं ले सकता हर जीव गुरबा अंदर राजा राजा बलों बजाया बजाया बाजा कौन लहू तुम्हारे पर गिट गए दस बार पुत्र खाया ये उस प्रभु पिता परमात्मा का रखा बाजा बाजा ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਜਦਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਜਦਾ ਜੋ ਆਪਾਂ ਬੋਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਜਾ ਦਿਲ ਤੇ ਰਾਗ ਵੱਜ ਰਿਹਾ ਇਹ ਕਿਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾ ਇਸ ਵਾਜੇ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਵੱਜਦਾ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕੀ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋਗੇ ਕਿਵੇਂ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਢਿੱਲਾ ਮਿੱਠਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਹ ਸੱਤ ਖੋਟ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤੇ ਲੋਕੀ ਦੁਹਾਈਆਂ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪੈਸੇ ਪਾਉਣੇ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੰਮ ਭਾਵੇਂ ਅਗਲਾ ਦੁਆਨੀ ਨਾ ਕਰੇ ਬੈਠਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਜੋਗਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਬਾਜਾ ਵੱਜਦਾ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਸਿੱਖੋ ਜਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬਾਜਾ ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤ ਵੱਜ ਰਿਹਾ ਜੇ ਉਹਦਾ ਹੀ ਨਾਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਵੱਜੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਲਾਣ ਦਾ ਨਾਮ ਉਠਾ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਰੱਖਿਆ ਬਾਜਾ ਵੱਜਣੋਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ
इस बाजे के सुत जोड़े है जिदन यह बाजा बजो बंद हो गया फिर सारे दुनिया भर के डॉक्टर भजा लो जिनी मर्जी एंबूलेंस फिर नहीं बोलता पहली गल का फतेह बुला तैयार ही कोई नहीं क्योंकि बच्चे अंग्रेजी